आज क्या तैयारियाँ चल रही हैं? ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस पावन पर्व के लिए 21 आयु मनाया जाएगा। इसलिए कामरूप आदमी सब सांकर कामर आ रही हैं और ये यहाँ सफाई व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं कामरूप के लिए। और ये पर्व कईयों वर्षों बाद विशेष पर्व का महत्व, इसका विशेष महत्व हुआ है कि आज कल के महाशिवरात्रि पर्व पर स्थान पूजा भगवान शिव जलाभिषय करना दान पुण्य का विशेष महत्व रहेगा। यहाँ लोग हजार संख्या कांवर लोग आएंगे, कांवर चढ़ाएंगे भोलेनाथ पर, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, अपने जीवन को सुख समृद्धि देने के लिए बाबा अपने कांवर चढ़ाते हैं लोग, अपनी यात्रा करते हैं। भोलेनाथ हमारे कार से दो जाए, भोलेनाथ किसी प्रकार से भक्तों कार से देते हैं, जिसका जैसा भाव है भोलेनाथ से देता है। और ये महाशिवरात्रि महापर्व है, इसको विशेष पूजन होता है, जो पूजा पूरी करना पूजा चाहते पूजन होगा, ये पूजा चलेगा। आपका क्या कहना है? महाशिवरात्रि का ये विशेष पर्व 100 वर्षों के बाद पड़ रहा है और आज के दिन भगवान शंकर सारे विश्व में भ्रमण करेंगे और अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देंगे। जो जिस तरीके से पूजा अर्चना करेगा उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। धर्म अर्थ लाभ काम मोक्ष दह की दैविक तीनों ताप नष्ट होंगे, कोई ग्रह पीड़ा नहीं रहेगी और शारीरिक दोष सारे मिट जाएंगे, आज व्याधियाँ खत्म हो जाएंगी, सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी। महाशिवरात्रि में शिव की विशेष आराधना करने से जीवन कृतार्थ होता है, अब मोक्ष का द्वार खुलता है। कांवरे की कितनी आनी संभावना है? कम से कम 1000 कांवर तो आज आनी आनी चाहिए बाबा भोलेनाथ के। ये महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है और ये पर्व फागुन मास में पड़ता है। आज के दिन भगवान शंकर का पाणिग्रह संस्कार भी हुआ है, लोग आज के दिन शिवविवाह भी कराते हैं। रक्षा को लेकर क्या तैयारियाँ हैं? सोचते शासन प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, यहाँ जो पुलिस फोर्स भी अपना तैयारी कर रहा है और हर तरह की यहाँ सुविधा है, बिल्कुल मंदिर से वोटी व्यवस्था है और पर्सनल गाड़ी रखे हुए हैं, सोचते पूरी व्यवस्था इंडिया में लिया जाए, लाइट का पूरी व्यवस्था है, सोचा पूरी व्यवस्था है घाट बनाने के लिए, किसी प्रकार का भक्तों को कष्ट नहीं हुआ, मेरा दसवीं कृपा है। इस महापर्व पर विशेष व्यवस्था रखी गई है। जय बड़ा जी महाराज, जय भोले भंडारी। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।